बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? अच्छा जी, तो चले, कल तक की जो वीडियो थी वो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी या आ रही होगी। अच्छा, शेड्स में कुछ डिफरेंस अगर नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली वो कैमरा का इशू आता है या फिर लाइटिंग का प्रॉब्लम आता है। घर में बैठ के वीडियो बनाई जा रही है, बिल्कुल कोई स्टूडियो लाइट्स वगैरह नहीं है, इसीलिए 19-20 फर्क आप लोगों को नज़र आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आज हम बात कर रहे हैं मज़ीद आगे डायरेक्ट लिफ्टिंग के बारे में। ऐसे डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर जो कंपनीज खुद बनाती है डायरेक्ट लिफ्टिंग के नाम से, लिफ्टिंग कलर के नाम से, ठीक है। जैसे सिल्की कंपनीज के पास 4 शेड्स है, ओके। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि सिल्की कंपनी के पास कौन से 4 शेड्स अवेलेबल है, ठीक है। एक तो सिल्की कंपनी के पास ये 9.31 इस नंबर में भी अवेलेबल है, और अगर आप सेम एज इट इज, आपको पता है कि हम 9.31 को अगर लगाएंगे 5 लेवल के बालों पे तो हम 7.31 या 6.3 ऐसा कोई कलर अचीव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सिल्की कंपनी का 9.31 उनसे ये कहते हैं कि हमें डायरेक्ट लिफ्टिंग वाला चाहिए, तो फिर वो हमें जो 9.31 डायरेक्ट लिफ्टिंग वाला कलर देंगे वो हम एज इट इज यही कलर डायरेक्ट लिफ्टिंग में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सिल्की कंपनी के पास ये वाला है 9.31, दूसरा है 7.34, ठीक है, ये वाला गोल्ड कॉपर में, इसका नाम इन्होंने गोल्ड कॉपर दिया हुआ है, ठीक है। और ये इनके पास 7.34 विदाउट लिफ्टिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसको 7.34 को अगर मैं कोशिश करूं अचीव करने की तो मैं 5.34 तक अचीव कर सकती हूँ, ठीक है, 5 लेवल के बालों पे। लेकिन हम सेम ये कलर नहीं अचीव कर सकते, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में ये देखा होगा, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट में ये अचीव करना अगर चाहते हैं ये वाला कलर, तो हम सिल्की कंपनी का 7.34 ले सकते हैं, जिसको सिल्की कंपनी ने जो नाम दिया है वो दिया है गोल्ड कॉपर, ओके। अच्छा, इसके बाद सिल्की कंपनी के पास एक और कलर है रेड वॉयलेट, बहुत हसीन कलर है, बीच में बहुत फैशन में था, वो नंबर है उनका 5520। चले मैं शेड कार्ड में देखती हूँ 5520 इनका कौन सा है, ये वाला कलर है, ये देखे 5520। ये अभी मैं आप लोगों के सामने आज इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, ये रेड वॉयलेट कलर है, ओके, ये डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर है, ये इनके पास 5520 नंबर में भी अवेलेबल है और ये डायरेक्ट लिफ्टिंग में भी अवेलेबल है, और इसका नाम इन्होंने दिया है रेड वॉयलेट, ओके। और इसके अलावा एक और चौथा कलर भी इनके पास अवेलेबल है, आई थिंक वो है बेज, नेचुरल बेज, एग्जैक्टली नेचुरल बेज, ये 7 नंबर। देखिए, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, सॉरी, ये वाला कलर देखे 7 नंबर। अब आप लोगों को पता है कि अगर मुझे ये 7 नंबर अचीव करना है तो मैं 9 नंबर उठाऊंगी या 10 नंबर उठाऊंगी, और 40 वॉल्यूम के साथ इसको लगाऊंगी तो मैं 7 अचीव कर पाऊंगी, ठीक है। वो भी 7 बहुत अच्छा वाला अचीव नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रिजल्ट देखे है तो 6 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं डायरेक्ट 7 लेवल अचीव कर लूँ डायरेक्ट, ये देखिए ब्लॉन्ड का बहुत हसीन सा शेड है, डायरेक्ट 7 लेवल चली जाऊं, तो सिल्की कंपनी ने इसको नाम दिया है नेचुरल बेज, ठीक है। हम उनसे डायरेक्ट, उनसे ये कह सकते हैं कि हमें 7 नंबर का डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर चाहिए, ओके। तो मेरे पास इस वक्त इस नेचुरल बेज गोल्ड कॉपर और ये जो दूसरा कलर है बेज सिर्फ, ये अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गए हैं और लॉकडाउन है तो मैं अभी ऑर्डर नहीं कर पा रही, लेकिन अगर जैसे ही खुलेगा मैं आपको कोई भी एक शेड मंगा के इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। लेकिन रेड वॉयलेट मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज रेड वॉयलेट, ये देखे, ये 5520 है शेड कार्ड में, इनके पास 5520 भी अवेलेबल है, लेकिन आप जानते हैं कि उसको अगर हम 40 वॉल्यूम के साथ करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलता है। आज हम रेड वॉयलेट को अचीव करेंगे अपने 5 नंबर के बालों पे। मैं आपको हेयर भी दिखाती हूँ कि हम किस बालों पे काम कर रहे हैं, ये देखो, ये वही हेयर है जो 4-5 का लेवल है हमारे पास, आज हम इसके ऊपर अगेन ये रेड वॉयलेट अचीव करेंगे, ठीक है, जिसको हम हाइलाइट्स में भी यूज कर सकते हैं, मतलब लो लाइट्स में, ठीक है। डार्कर जितने भी टोन होते हैं उसको हम लो लाइट्स कहते हैं, हाइलाइट्स और लो लाइट्स में क्या डिफरेंस है ये भी मैं वीडियो में बता दूंगी आपको, लेकिन अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी आपको फ्रीक्वेंटली जो है वो शेड्स की ही वीडियो मिलती जा रही है, ऑयल पेपर। अच्छा जी, तो अब हम अपना एक स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, जिसपे हम काम करेंगे और मैं कलर बनाती हूँ, ठीक है, लाओ बोल दो, ये देखिए, ये है सिल्की कंपनी है, ओके, रेड वॉयलेट कलर, मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ इसको, इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसको दूसरा तरीका भी बताऊंगी करने का, मैं सिर्फ रेड वॉयलेट को डाल रही हूँ इस बोल के अंदर
और मैं ले रही हूँ 40 वॉल्यूम, ठीक है। ये देखें 40 वॉल्यूम, आप लोग को याद रखना है कि अगर आप क्लाइंट के बालों पे काम कर रहे हो 40 वॉल्यूम के साथ, तो आपको किसी भी कंपनी का प्लेक्स ऐड करना है या फिर ऑक्सीजन सेल यूज करना है, ठीक है। 40 वॉल्यूम आप डायरेक्टली बालों पे अप्लाई नहीं करोगे। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। कलर मिक्सिंग हमेशा बहुत अच्छी तरह से करनी, चाहे वो आप कट डाउन के लिए बनाओ या टोनिंग के लिए बनाओ, ठीक है। इंशाल्लाह टोनिंग कैसे करनी है, ग्लॉसिंग कैसे करनी है, उसका मिक्सचर कैसे बनाना है, ये सब आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रीटेड हेयर आता है ब्राउन कलर में, तो उसको हम किस तरह से रिफ्रेश करेंगे वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे की वीडियो में। वो सब वीडियोस आपको छोटे छोटे स्टैंड्स पे मिलती जाएगी। फिर जब हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम अपनी टेक्निक्स, मतलब बालों में किस तरह से करना है उसका सीखेंगे काम, ठीक है। तब आप लोगों को क्वांटिटी का भी पता चल जाएगा। चलिए, अब आप लोगों ने देखा ये मैंने 40 वॉल्यूम के साथ रेड कलर बना लिया है। अब मैं इसको लगा रही हूँ इस पर, ये देखिए मैं स्टैंड ले रही हूँ। एप्लीकेशन हमेशा बहुत अच्छे से करेंगे हम, क्योंकि इसमें आधा प्रोडक्ट तो सारा ब्रश में ही रह जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे, ऐसे पैक कर देंगे, ठीक है। और पैक कर ऐसे पूरी तरह से इसको कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए इसको मैं यहाँ रख रही हूँ 30 वॉल्यूम के पास, सही है। अब मैं एक और स्टैंड ले रही हूँ और उसको आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। वो भी डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर ही है, यही वाला रेड वॉयलेट ले रही हूँ, ये देखो। लेकिन इसमें मैं 022 का पिगमेंट ऐड करूंगी, पर्पल का पिगमेंट ऐड करूंगी, ठीक है, वॉयलेट का। ये देखिए, आप लोगों को मैं इस शेड कार्ड से अगर समझाऊं तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है 5520, ठीक है। मतलब ये कलर है लाइट इंटेंस वॉयलेट ब्राउन, ओके। तो इसमें 2 का पिगमेंट है। अगर मैं चाहूं कि मुझे सेम एज इट इज ये कलर मिले, तो हम देखते हैं इसमें 2 का पिगमेंट डाल के, क्योंकि अगर मैं 2 का पिगमेंट नहीं डालूंगी तो मुझे रेड टाइप का, मरून टाइप का कलर मिलेगा। अब मैं पिगमेंट डाल के भी देखती हूँ हमें कलर अचीव होता है या नहीं होता है, सही है। चलो, साथ साथ मुझे याद आया, मैंने कहा एक और बना लेते हैं। ये वॉयलेट का पिगमेंट है, ठीक है। ये देखिए मैंने कितना ऐड किया। पहले इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 40 वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं कैसे आता है हाथों हाथ, सही है। एक और फॉइल लिया हमने, तो इस पे इसको लगाते, देखते कि हमें दोनों में कोई डिफरेंस मिलता भी है या नहीं मिलता है पिगमेंट्स ऐड करने से। चलो, चलिए इसको हम रखते हैं यहाँ पे 40 वॉल्यूम के नीचे, ठीक है। अब इसको ऑलमोस्ट 30-35 मिनट तक एज इट इज रहने देंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 35 मिनट के बाद अगेन, ओके। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो अब हम इसको खोलते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं। ये वो कलर है जिसमें हमने सिर्फ रेड कलर और रेड वॉयलेट कलर और 40 वॉल्यूम ऐड किया था, ठीक है। अभी आपको ड्राई करके दिखाती हूँ, तो आपको शीट समझ आएगा।
इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। और ये वो कलर है जो हमने वॉयलेट डाल के अचीव किया है। अच्छा, ये जो वॉयलेट कलर डाला है इसमें ये थोड़ा सा मोटा स्टैंड है, ठीक है, और जो सिर्फ रेड वाला है ये थोड़ा सा पतला है। तो ये ड्राई करके फिर मैं रिजल्ट बताती हूँ दोनों का। ये देखिए, ये ब्लैक कलर है, इसके ऊपर हमने ये दोनों कलर को अचीव किया है, ठीक है। ये पर्पल के साथ है, पर्पल पिगमेंट के साथ है, ये सिर्फ रेड है, रेड वॉयलेट कलर है, ठीक है। इसमें हमने कोई पिगमेंट यूज नहीं किया, ये देखें। और ये बालियाज में बहुत जबरदस्त लगते हैं, बहुत जबरदस्त। अब मैं आपको शेड कार्ड पे भी रख के दिखाती हूँ। ये वाला देखिए, सेम टू सेम यही कलर है, 520। ये देखो, क्योंकि ये डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर है, ये सेम टू सेम ही आते हैं सिल्की के, ठीक है। ये क्योंकि मैंने इसको पिगमेंट डाला था इसलिए सेम है। देखिए इसमें टू है ना, तो इसमें ऑलरेडी वॉयलेट है इसलिए मैंने वॉयलेट का पिगमेंट डाला था। और इसमें आप देखो ये थोड़ा सा रेडिश पर है, मरून पर है, ठीक है। ये देखिए, चलिए आपको वीडियो समझ आ गई होगी। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।